कांग्रेस में जो आंतरिक कलह मच रही है और कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत जी अब जो लास्ट समय में मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, क्या सोचते हैं बीजेपी कार्यकर्ता इन सब के बारे में, आज हम निकले हैं बीजेपी कार्यालय में इन सब के बारे में जानने के लिए राय। तो चलिए जानते हैं उनसे कि ये मुफ्त की रेवड़ियां क्या कांग्रेस सरकार को फिर से रिपीट कर पाएगी, कि जो आंतरिक कलह मची है 4-4.5 साल से, तो इसका फ़ायदा बीजेपी कैसे उठाने वाली है आने वाले चुनावों में। हम हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर और माननीय मोदी जी, अमित भाई शाह और इनकी जो कार्यप्रणाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की, उसके दम पे चुनाव लड़ेंगे। हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना हमारा नेचर नहीं है भाजपा का। हम हमारी मेहनत से राष्ट्रवाद पे, विकास के मुद्दों पर और कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि कांग्रेस के कार्यकाल में कई बार ऐसा हुआ, नर्सिंग स्टाफ के साथ हिंसा की घटनाएं हुई, इनके साथ इनको बार बार हड़ताल पर जाना पड़ता है अपनी मांगे मनवाने के लिए, तो इस पर आपका क्या राय है? राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में नर्सिंग एक ऐसा समुदाय है जो कि एक समाज सेवा का कार्य करती हैं। आज कहीं भी चले जाओ आप, नर्सिंग की जो स्थितियाँ हैं प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी में, बहुत गंभीर हालत है। प्राइवेट सेक्टर में 5-5 हज़ार रुपये में नर्सिंग के लोगों को काम करना पड़ रहा है, जबकि वो 10 लाख लगाकर 8 लाख लगाकर नर्सिंग करने आता है। तो सरकार को इसके एक नियम बनाने चाहिए कि कम से कम एक मजदूर को जो वेतन मिलता है उतना तो उसको मिले, 25,000 या जो भी है। और सरकारी में भी कई बार लड़ना पड़ता है, अस्पतालों के बाहर आना पड़ता है, लेकिन हम अपनी मर्यादाओं में रह के, हमने कभी इस तरह की हड़ताल नहीं की है कि बिल्कुल बाहर आ जाए। हम वहीं शांतिपूर्ण तरीके से अपना मैसेज देते हैं ताकि जनहित में कोई जनता का कोई हित रहे, हमेशा जनहानि ना हो। और सरकार को नर्सिंग को स्केल को बढ़ाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी दोनों में भर्ती आनी चाहिए, नहीं जिससे जनता को और ज़्यादा उसका फ़ायदा मिले। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कांग्रेस में जो आंतरिक कलह निकल कर सामने आई है और लगभग अब शासनकाल ख़त्म होने को है, तब भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो सुलह हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है, तो क्या इसका फ़ायदा बीजेपी उठाने वाली है आगामी चुनावों में? ऐसा नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का बूथ मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुड़ चुका है। हम कोई कांग्रेस से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, कांग्रेस हमारे बराबर है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ, इतना जरूर है कि राजस्थान का युवा हमें वोट इसलिए देगा कि वो बहुत परेशान है। राजस्थान सरकार जब बनी नहीं कांग्रेस की, तो बेरोजगारों के लिए भत्ता के लिए कहा 3500 रुपये, आज तक 35 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया, तो मुझे बता दीजिए राजस्थान में भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा काम हुआ तो बता दीजिए। राजस्थान जो हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं, दिन दहाड़े अपहरण, दिन दहाड़े घर में जाके मारना, मारपीट, झगड़े जो इस सरकार में हुए हैं। अब जैसी सरकार यहाँ जाने लगी कांग्रेस की, अगर ये कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी राजस्थान के जनता के हितैषी हैं, तो जब कोरोना काल चल रहा था हमारे राजस्थान के भाई बहन घरों के अंदर रह गए थे, बेरोजगार हो गए थे, उस टाइम बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए अशोक गहलोत जी को, परंतु उस टाइम तो अशोक गहलोत जी होटलों में अपनी सरकार को बचाने के लिए होटलों में जाके इन विधायकों को बड़े एसी में आनंद दिला रहे थे, परंतु जैसे 4 महीने रह गए और राजस्थान की जनता को ये बेवकूफ़ बनाने रेबड़ियाँ बांट रहे। राजस्थान की सरकार बहुत, राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। अगर अशोक गहलोत जी से मेरा निवेदन है, अगर अशोक गहलोत जी अगर यहाँ आप 3 साल पहले बिजली का बिल माफ़ करते, हमारे भाई बहन जो बच्चे हैं वो यहाँ जब उनके कोरोना काल के अंदर उनकी फीस माफ़ करते, परंतु उस टाइम तक कुछ नहीं किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कितना गेहूँ दिया और राजस्थान सरकार ने कितना गेहूँ दिया इसकी जाँच हो, परंतु राजस्थान की सरकार में कोई पता ही नहीं किया सरकार सीट बचाने के लिए। मैं कहता हूँ सचिन पायलट के साथ धोखा दिया अशोक गहलोत जी ने, युवाओं को आगे आना चाहिए। अभी अंदर खाने खबर भी फैली हुई है कि सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, कुछ नाम भी रजिस्टर्ड हुए हैं नए अभी, तो आपको क्या लगता है क्या पार्टी बनेगी या नहीं? देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत पर्सनल राय है, इसके अभी हम कुछ व्यक्तिगत नहीं कह सकते कि क्या है। ये उनके स्वाभिमान की खुद की पर्सनल लड़ाई है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस अंदर खाने आपसी, क्योंकि आज ही नहीं कहूँ गहलोत साहब ने कभी खुद के फेस पर चुनाव राजस्थान में जीत ही नहीं पाए। चाहे मैं बात करूँ सीपी जोशी के नेतृत्व में, जब चुनाव हुए एक बोर्ड से सीपी जोशी सीएम बनने वाले थे, तो सीपी जोशी जी को किसी कारण से एक बोर्ड से चुनाव हरा कर अंतर्गले का कारण करके मुख्यमंत्री खुद बन गए। तो सीपी जोशी जी है, सचिन पायलट जी है, तो अशोक गहलोत जी आप पहले खुद का फेस बनाओ राजस्थान में, खुद के फेस पर आज तक के इतिहास से मुझे बता दो कब आपके नेतृत्व में चुनाव हुए। हमेशा कांग्रेस के अंदर दूसरे के फेस पर चुनाव होते हैं और आपसी कले करके आप राजनीति सिर्फ आला कमान को पूछ के, किसी चीज़ के कारण पूछ के आप सीएम बन जाते हैं, और इसी सीएम का मुकाबला आपसी कले का राजस्थान की जनता भुगत रही बेचारी, राजस्थान का युवा भुगत रहा है, राजस्थान का मजदूर भुगत रहा है, राजस्थान के एक आम ग्रामीण परिवेश में आखिरी पंक्ति में बैठा युवक भुगत रहा है। लेकिन अब
वो समय आ चुका है जब जनता जाग चुकी है और अभी इस चीज़ को वो चाहे लास्ट टाइम में कितना ही बहला ले फुसला ले जनता को अंतरकले की योजना के तहत जब जो झूठी अफवाह योजना फैला के तरह तरह की योजना वो राजस्थान के अंदर अब ला रहे हैं लास्ट टाइम में माहौल बना रहे हैं उससे कुछ नहीं होना क्योंकि जनता समझ चुकी है और जनता मूड बना चुकी है अब कि हमें राजस्थान को किस ओर ले जाना है। ये अब राजस्थान स्वामी विवेकानंद जी 21वीं सदी के युवा के लिए कहा, राजस्थान अब युवा के आना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान है, राजस्थान का प्रत्येक युवा राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जिताएगा और 3/3 बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगा। मोहित कुमार गौतम, धन्यवाद, जय जवान। तो कैसा लगा आपको ये हमारा सेगमेंट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूँ कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सलूशन है मिशे मीडिया सलूशन, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने यूट्यूब चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।